दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने फोन पे एप्लीकेशन पर अपना पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। दोस्तों अगर आप अपने फोन पे एप्लीकेशन का पासवर्ड भूल चुके हो तो इसका भी सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आप अपने पासवर्ड को भूल भी चुके हो तो किस तरह से आप अपने फोन पे एप्लीकेशन का पासवर्ड चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि किस तरह से आपको अपने फोन पे एप्लीकेशन का पासवर्ड चेंज करना है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आ रहे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन का पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं अपने फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपने फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। तो इसी तरह से आपको अपने फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। और फोन पे को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ऊपर में आपको फोन पे का प्रोफाइल यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पर आप देख पाओगे। तो आपको यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपको प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप प्रोफाइल पर क्लिक करोगे यहाँ पर आप देख पाओगे फोन पे का आपका प्रोफाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपके फोन पे का सारा डिटेल आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों आपको फोन पे का पासवर्ड किस तरह से चेंज करना है, तो पासवर्ड को चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नीचे आना है, ठीक है। इस तरह से आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और यहाँ पर आप देख पाओगे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा चेंज पासवर्ड का, यहाँ पर आप देख पाओगे। तो आपको यहाँ पर चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपको चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप चेंज पासवर्ड पर क्लिक करोगे यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ इस तरह का न्यू इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और ऊपर में आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर योर ओल्ड पासवर्ड, यानी कि आपके फोन पे का जो भी पुराना पासवर्ड था आपको उस ओल्ड पासवर्ड को यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर में आपको चार यहाँ पर डिजिट मिल रहा है, आपको यहाँ पर चार डिजिट को यहाँ पर डालना होगा आपका जो भी पुराना पासवर्ड था। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने फोन पे का पुराना पासवर्ड भूल चुके हो, अगर आपको पुराना पासवर्ड याद नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख पाओगे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा फॉरगेट पासवर्ड का, यहाँ पर आप देख पाओगे। तो आपको यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करोगे इसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे थोड़ा लोडिंग लेगा और इसके बाद आपके फोन नंबर पर एक OTP आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लग सकता है, नीचे आप देख पाओगे यहाँ पर टाइम, यहाँ पर टाइमिंग दिया हुआ है। और यहाँ पर आप देख पाओगे मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। तो इसी तरह से आपका ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। और ऊपर में आप देख पाओगे नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो इसी तरह से आपका ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे न्यू इंटरफेस यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर लिखा हुआ है सेट ए न्यू 4-डिजिट पासवर्ड, यानी कि अब आपको यहाँ पर अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है। आप अपने फोन पे का जो भी न्यू पासवर्ड रखना चाहते हो आपको यहाँ पर न्यू पासवर्ड डाल देना है। तो चलिए मैं अपना न्यू पासवर्ड यहाँ पर रख लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपने फोन पे का न्यू पासवर्ड यहाँ पर रख लिया है। तो इसी तरह से आपको अपना न्यू पासवर्ड यहाँ पर रख लेना है। और इसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, यहाँ पर आप देख पाओगे। तो आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है योर पासवर्ड हैज बीन सक्सेसफुली चेंज, यहाँ पर आप देख पाओगे। और यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म का, आपको यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करोगे इसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ इस तरह का न्यू इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देख पाओगे फोन पे का लॉगिन वाला इंटरफेस यहाँ पर आ चुका है, यानी कि आपके फोन पे का पासवर्ड यहाँ पर चेंज हो चुका है और आप यहाँ पर फिर से फोन पे को लॉगिन कर सकते हो। तो लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख पाओगे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू लॉगिन। तो आपको यहाँ पर प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपको प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपने जो भी न्यू पासवर्ड यहाँ पर डाला होगा आपको अपना न्यू पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है। और इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप लॉगिन पर क्लिक कर दोगे इसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे थोड़ा लोडिंग लेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा लोडिंग ले रहा है। और लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा फोन पे यहाँ पर ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे मेरा फोन पे अकाउंट यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपने फोन पे एप्लीकेशन का पासवर्ड चेंज कर सकते हो। मैंने आपको इस वीडियो में सारी चीज स्टेप बाय स्टेप बता दिया है कि किस तरह से आपको फोन पे एप्लीकेशन का पासवर्ड चेंज करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को देखकर आप भी फोन पे का पासवर्ड चेंज करना सीख गए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू आ रहे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हो एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।